को लेकर ईडी के रडार पर कई फिल्म प्रोड्यूसर्स और प्रोडक्शन हाउस हैं। महादेव ऐप मामले में आरोपी सौरभ चंद्राकर ने बॉलीवुड में फिल्में बनाई थी। अब सौरभ चंद्राकर के कनेक्शन ईडी तलाश रही है। आपको बता दें कि रणबीर कपूर को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। इस मामले में जांच एजेंसी ने कई शहरों में छापेमारी भी की थी, करोड़ों रुपए बरामद किए थे। ये मामला तब सामने आया जब ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी का वीडियो लीक हुआ है। केंद्रीय जांच एजेंसी जांच कर रही है कौन कौन दुबई में शाही शादी में गया था और किसे सट्टेबाजी से कमाए गए पैसों से पेमेंट किया गया, ये भी जानने की कोशिश हो रही है। तो रडार पर कई सारे सेलिब्रिटीज आ चुके हैं। महादेव ऐप का ये पूरा मामला है जहां रणबीर कपूर हो या फिर हिना खान हो, उमा कुरैशी के साथ साथ कपिल शर्मा तक रडार पर है। ईडी के समन भेजा गया है ईडी की तरफ से। हालांकि रणबीर कपूर ने समय मांगा है ईडी से, अभी ईमेल कर एक हफ्ते का समय मांगा है। खबर दुर्ग से है जहां डेंगू के मामले